हिरणाक्ष का वध हुआ तो सातवां स्कंद शुरू होता है जब हिरणाक्ष का वध हुआ तो हिरणाकश्यपु सबसे पहले अपनी माता दिदि और हिरणाक्ष की जो पत्नियां थी उनको सांत्वना दे रहे हैं और सांत्वना देते समय वो इतनी ज्ञान की बातें बोल रहे हैं, आत्मा की बातें बोल रहे हैं, भगवान की बातें बोल रहे हैं। तो इतना परम ज्ञानी है ये देखते कैसे हो सकते हैं। तो असुर असुर में फर्क क्या है? असुर और सुर में फर्क ये है कि असुर कभी भी भगवान को नहीं समझता, वो समझता नहीं भगवान, बातें बड़ी बड़ी कर सकता है मगर प्रैक्टिकल जीरो है। प्रैक्टिकल आते ही हमेशा क्या समझता है? मैं ही भगवान हूं, मैं सबसे पावरफुल हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे वश में रहना चाहिए सब कुछ, सारे देश, सारी पृथ्वी, सारा यूनिवर्स। अभी तक जो मनुष्य है वो क्या सोचते हैं? सारी पृथ्वी मेरे कंट्रोल में रहे। और पहले के जो देते तो क्या सोचते थे? पूरा यूनिवर्स मेरे कंट्रोल में रहे। और उससे पहले के जो देते तो क्या सोचते थे? कि तीनों लोग मेरे कंट्रोल में रहे, है ना, ऊपर वाले पेरेंट्स में, नीचे वाले पेरेंट्स में, भूलोक में, सब मेरे कंट्रोल में रहे। तभी क्या हो रहा है कि जितने राक्षस छोटा होता जा रहा है उसका विजन भी छोटा होता जा रहा है ना। और आजकल जो मिनी मिनी राक्षस है वो क्या सोचते हैं? ये मेरा परिवार कंट्रोल में रहे, ये सोसाइटी मेरी कंट्रोल में रहे, है ना, ये सब जो लोग मेरे को दिखाई दे सिर्फ ये कंट्रोल में रहे, तो उसको लगता है मैं जीत गया। तो उनको पता नहीं है कि जब ऐसे ऐसे बड़े राक्षस जो तीनों लोगों कंट्रोल में करके बैठ गए थे एक तरह से, तो भी उनको भगवान को सेकंड नहीं लगा खत्म करने के लिए। तो हम जैसे मच्छरों का जो भिनभिनाते हैं और कुछ समय बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं, हमारी क्या बता ना, क्या कहा, हमारी कुछ भी नहीं है, कहीं कोई पोजीशन ही नहीं है। तो एक श्लोक पढ़ रही थी मैं, जब हिरणाकश्यपु सबको समझा रहे हैं कि भाई हिरणाक्ष का वध हो गया कोई बात नहीं, तो वो क्या बोल रहे हैं? कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है जहां पर सभी उसे देख सकते हैं, फिर भी यह धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है और इसे कोई नहीं देख पाता। इस तरह जिस व्यक्ति ने इसे खोया था उसे यह वापस मिल जाता है। दूसरी ओर यदि भगवान संरक्षण प्रदान नहीं करते तो घर में अत्यंत सुरक्षित ढंग से रखा हुआ होने पर भी यह धन खो जाता है। यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं तो उसका कोई रक्षक ना होते हुए भी तथा जंगल में रहते हुए भी वह जीवित रहता है, जबकि घर पर संबंधियों तथा अन्यों से रक्षित होते हुए भी मनुष्य कभी कभी मर जाता है, कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता। कितनी गहन बात कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं ये बात? हिरणाकश्यप को कह रहा है कि अगर भगवान कोई मारे कृष्णा राखेंगे, राखे कृष्णा मारे, वही तो बात बोल रहे हैं कि अगर आपका धन सड़क पे भी डूब जाएगा और भगवान की इच्छा होगी तो वो आपको वापस मिल जाएगा, और घर में भी रखा था अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा। कितनी गूढ़ बातें कर रहा है, मां क्या कर रहा है? वो गूढ़ बातें कैसी कर रहा है? वो क्या कर रहा है? भगवान को अपनी जगह, अपने आप को भगवान की जगह रिप्लेस कर रहा है। वो यहाँ पे भगवान किसको बोल रहा है? अपने आप बोलने के लिए भगवान बोल रहे हैं, मगर क्या बोल रहे हैं? आई एम द कंट्रोलर नाउ, आई एम द कंट्रोल, मैं सबको अब कंट्रोल करने वाला। अब कौन है? मैं हूं। अब कौन है? भगवान कौन है? बोल नहीं रहा मन में उसके भाई। तो इसी तरह से कलयुग के जितने भी राक्षस होते हैं वो लिप सर्विस बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं। जितने फेक गुरुज हैं समाज में जाइए, लाइन लगा के मिलेंगे, बहुत सारे चमत्कार करके वो दिखाएंगे, मगर मन में क्या आएगा कि मैं ही भगवान, मेरी पूजा करिए। वो क्या करेंगे?
कि अब आपको कृष्ण की पूजा नहीं करनी है, अब आपको क्या करना है, अब सिर्फ मेरा चालीसा पढ़ना है। तो ये मेंटेलिटी किसकी है? केवल एक दैत्य, एक राक्षस की। उसके बाद हिरण्यकश्यप बोलते हैं प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार एक भिन्न प्रकार का शरीर पाता है। ऐसे नहीं लगता भगवत गीता ज्ञान है? हाँ, इसका मतलब कृष्ण भगवान से पहले किसी ने और कोई भगवत गीता का ज्ञान दिया था? किसने दिया था? हिरण्यकश्यप को ने भी दिया था। क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार एक भिन्न प्रकार का शरीर पाता है और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा अपनी योनियों से विभिन्न प्रकार सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है, किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता, क्योंकि वह व्यक्त शरीर से सदा सदा पूर्णतया भिन्न माना जाता है। तभी कौन क्या दे रहा है? आत्मा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान। तो इसका मतलब भी पूरा पढ़ के देखिए तो आपको लगेगा कि पूरा भगवत गीता की समरी दे रहे हैं, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में भगवान को समर्पित नहीं हो रहा, वो अपने आप को कर्ता मान के चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हम सब बद्ध जीव इसी मनोस्थिति में होते हैं। क्या बोलते हैं? अभी कुछ लोग तो ये भी बोले थे कि हम गॉड पढ़ता था, अभी छोटे छोटे मिनी मिनी गॉड तो हम है ही, है ना। अरे पता नहीं तुमने ये काम किसने किया, ये सारा काम मैंने किया, अगर मैं नहीं करता तो ये काम होता नहीं, अगर मैं नहीं होता तो यहाँ पे सब कुछ उलट पलट हो जाता। ये किसकी मनोस्थिति है? भक्त की, राक्षस की? राक्षस की। भक्त हमेशा क्या सोचते हैं? प्रभुपाद हमेशा क्या बोलते हैं? I'm a puppet और कृष्णा make me dance as you like। मैं तो क्या, मैं कठपुतली हूँ, आप मुझे जैसा मर्जी चाहे नचा सकते हैं, जाके विधि राखे राम ताही विधि रही है। ये भक्त की मनस्थिति है, मगर राक्षस की मनस्थिति क्या है? राक्षस की मनस्थिति है कि ये कार्य मैंने किया और मैंने नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। तो हमें पता नहीं है कि भगवान जब हजारों हजारों नदियां करोड़ों करोड़ों गैलन पानी हर सेकंड समुद्र में डाल रही होती तब भी समुद्र एक इंच ऊपर नहीं उठता, एक सेंटीमीटर आगे नहीं आता। वो लहर आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है। अरे इतना गैलन पानी जा रहा है, समुद्र कुछ तो ऊपर उठना चाहिए, नहीं उठा। किसकी आज्ञा से? भगवान की आज्ञा, भगवान की पावर से। और सूर्य देव एग्जैक्ट समय, सूर्योदय का समय होता है एग्जैक्ट उस समय, वो सेकंड वहां प्रकट हो जाते हैं। कितने कितने प्लैनेट्स ऊपर? किसकी आज्ञा से? केवल भगवान की आज्ञा से। तो हम जैसे निर्मल प्राणी जिसको हम कह सकते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो भी क्या कहते हैं? कर्ता अहम इति मन्यते। मैं भी क्या हूं? मैं कर्ता हूं, भोगता हूं। ये सब किसके लिए है? मेरे लिए है, मुझे करना चाहिए था, मुझे मुझे मिलना चाहिए था। भोगता कौन है इसका? तो ऐसे ही हिरण्यकश्यप भी बहुत ही सुंदर भाषा में ज्ञान वही दे रहे हैं और उसको विज्ञान नहीं है। विज्ञान कैसे आता है? ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है, कौन बताएगा? ओके, ज्ञान इज थ्योरी नॉलेज एंड विज्ञान इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसको हम अपने जीवन में उतारें कैसे? तो जब हम भक्तों के सब में रहते हैं तो हम धीरे 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 ना सिर्फ प्योरीफाई होते हैं, हमें भक्तों से सीखने को मिलता है कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं प्रैक्टिकली, कहां कहां हमें कमियां हैं। इसलिए जब भी कभी कोई अथॉरिटी है, जब भी
इंस्ट्रक्शन दें या आपको कभी कोई गलती बताए तो आपको क्या मानना चाहिए, एहसान मानना चाहिए कि आज अगर उन्होंने मेरी गलती ना बताई होती तो फिर मैं कभी सीखता नहीं। अगर हम सिर्फ दूसरों की गलती निकालते रहते हैं, खुद हमारे को कुछ बोले तो हम सहन नहीं होता, इसका मतलब अभी हम इसी स्थिति पे हैं जहां पे हिरण्यकश्यपु का है। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप ने बहुत बहुत तपस्या की और वो तपस्या का ध्येय क्या था? तपस्या का ध्येय था बदला, है ना, कि विष्णु जिसने मेरे भाई को मारा मैं उसको मार देना चाहता हूं। अब उसको ये नहीं मालूम कि जो भी तुझे कुछ मिलने वाला है इस तपस्या करके वो भी कहां से आने वाला है, कौन देते हैं, देने वाले हैं भगवान ही देते हैं। भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि जो भी कोई देवी देवता कुछ भी देता है वो कहां से आता है, मेरे थ्रू ही आता है। मगर वो जब देवी देवता से मांगते हैं हम क्या कहते हैं, अविधि पूर्वकम, वो क्या है, अविधि पूर्वक है। तो इस हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि उसका जो शरीर था वो उसके शरीर में कुछ भी नहीं बचा था, सारी मांस हड्डी त्वचा सब कुछ खत्म हो गया था, सब चींटियां खा गई थी उसके शरीर को। जब ब्रह्मा जी आए तब अब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, हिरण्यकश्यप वरदान मांग रहा है, हे प्रभु हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मन चाहा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दें कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव से के द्वारा मृत्यु को प्राप्त ना हूं। इसको कहते सीमित बुद्धि। चाहे वो हिरण्यकश्यप जैसा महान राक्षस ही क्यों ना हो मगर वो क्या है, सीमित बुद्धि। क्या बोल रहे, आपके से जो उत्पन्न जीव है उनमें से मुझे कोई ना मार सके। अब वो क्या सोच रहा है कि मैंने तो सबसे सृष्टि के सबसे ऊपर वाले बंदे से मांग रहा हूं, सबसे जो सबसे टॉप मोस्ट है, उसको नहीं पता अरे वो भी तो जीव है, इनके तो ऊपर स्वयं भगवान है, भगवान ने इनको रचा है। वो ये नहीं मानता, वो बोल रहा है कि बस आपके द्वारा जितने भी जीव है मुझे ना मार सके, क्योंकि उसके क्या है, सीमित बुद्धि। जब अगर जो हमने अभी पीछे कथा में सुनाया था, किसी प्रभु जी ने सुनाया था, वैसे सिमिलर कथा एक और आती है कि जोक टाइप है, शायद आपने सुनाया था, पीछे प्रभु शायद किसे सुनाया था कि तीन दोस्त थे, उसमें एक सरदार था, जोक है। तो एक ने कहा कि हे भगवान मुझे इतना धन दो, इतना धन दो कि मेरे सात पीढ़ियां पैसों में नहा सके, भगवान ने कहा थास्तु। दूसरे ने कहा कि भगवान इनको इसको जितना दिया उससे मुझे डबल दे दो, भगवान ने कहा थास्तु। तीसरे क्या कहा, जो इन दोनों का वर है वो कैंसिल कर दो। तो हो गए सब बराबर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सीमित बुद्धि वाले क्या मांगते हैं, हमेशा सीमित मांगते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वर मांगते समय क्या करते हैं, 16 सोमवार का व्रत रख लेते हैं और फिर क्या मांगते हैं, हे भगवान ऐसा वर दो, ये हो ये हो ये हो। अब जो लिस्ट में छूट गया वही कमी मिलेगी और फिर सर पकड़ के बैठ के रोते रहेंगे, देखो जी इनमें से ये कमी है। तो वो क्या बोल रहे हैं, मुझे यह वर दें कि मैं ना तो घर के अंदर ना घर के बाहर, ना दिन के समय ना रात के समय, ना भूमि पर ना आकाश में मरूं। मैं वर मुझे वर दें कि मेरी मृत्यु ना तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, ना किसी हथियार से हो, ना किसी मनुष्य या पशु से हो। आप मुझे ये वर दें कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, वो
इवन बैक्टीरिया वायरस को भी कवर कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं, सजीव और निर्जीव किसी से भी मृत्यु ना हो, मुझे यह भी वर दे कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोकों में किसी बड़े सर्प द्वारा ना मरा जाऊं। चूंकि आपको युद्ध भूमि में कोई नहीं मार सकता, इसलिए आपको कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है, इसी प्रकार आप मुझे यह वर दे कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी ना रहे, मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें और इस पद से प्राप्त होने वाला समस्त यश दें, साथ ही मुझे लंबी तपस्या या योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सारी योग सिद्धियां शक्तियां दें, क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। कितनी सीमित बुद्धि है, उसको पता नहीं है कि सारी योग सिद्धियां इस शरीर के साथ खत्म हो जाएंगी। तो बता रहे ऐसे ना मरे, ऐसे ना मरे, इसका मतलब तीसरा कोई ऑप्शन हो सकता है मरने का, है ना। तो यीशु कहते हैं सीमित बुद्धि। तो भक्त कैसे मांगता है, भगवान से क्या मांगता है, कुछ नहीं मांगता। भक्त तो भगवान से क्या बोलता है, मैं बस आपकी सेवा करता रहूं, बाकी जैसे मर्जी रख लेना, ना मुझे ऐसे चाहिए ना मुझे वैसा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बस आपकी सेवा चाहिए। एक ही अक्षर मांगता है सेवा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि भक्त को पता है, भक्त बहुत चतुर होता है, उसको पता है कि अगर भगवान की सेवा मांगूंगा तो भगवान के किसी कार्य में रहूंगा, और भगवान किसी किसी कार्य में रहूंगा तो भगवान मेरी अपने आप मुझे मेंटेन करेंगे, मेरी टेंशन खत्म, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फिनिश। अगर मैंने से सेवा मांग ली, इसका मतलब क्या हुआ, भगवान की सेवा के लिए वहां भगवान होने भी तो जरूरी है। अगर हम भगवान की सेवा मांग लें तो क्या जरूरी है, सबसे पहला कौन होना जरूरी है, भगवान स्वयं। भगवान मुझे अपनी सेवा दो, मीन्स वहां भगवान का तो होना निश्चित है, तभी तो हम उनकी सेवा कर पाएंगे। तो भक्त बहुत चतुर है, और जहां भगवान होगा वहां शस्त्र लक्ष्मियां भी होंगी, सब वैभव भवन कैसे भी रखेंगे, किसी भी हालत में मेंटेन करेंगे। तो इसलिए भक्त सिर्फ एक ही चिंता करता है कि मैं सेवा कैसे करूं, बाकी सारी की सारी टेंशन किसकी होती है, भगवान की। सो कहते भक्त बहुत चतुर है। और राक्षस ये देखते हैं कितना दुर्बुद्धि निर्बुद्धि है ना, क्या मांग रहे, क्या मांग रहे, मैं ऐसे ना मरूं, मैं वैसे ना मरूं, मैं ये भी हो जाऊं, मैं ये भी हो जाऊं, सब कुछ इस शरीर से रिलेटेड चीजें मांग रहे हैं, बस बात का क्या करूं कुछ पता नहीं है उसको। तो इस तरह से जो हिरण्यकश्यप जैसी मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो भगवान से सिर्फ क्या मांगते रहते हैं, हे भगवान अच्छी गाड़ी दो, मेरी बेटी की शादी करा दो, मुझे धन दे दो, और क्या चाहिए होता है, अच्छी आयु दे दो, और क्या चाहिए होता है। ये तो सब भक्त बैठे हैं, उनसे बोलने के फायदा नहीं है। ये तो नॉर्मली जब किसी क्लास में पूछा जाता है क्या क्या मांग सकते हैं भगवान से, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, उत्तर आते हैं कि हम भगवान से ये मांग सकते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा कर दो, फिर हम भगवान से ये मांग सकते हैं कि हमारी घर की समस्याएं खत्म कर दो, या हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां और रखी उसको सॉल्व कर दो, है ना, ऐसी ऐसी बातें मांगते हैं सब लोग। बहुत अच्छी है, ये क्या है, क्षणिक सीमित बुद्धि। मगर जो भगवान का भक्त है वो क्या मांगता है हमेशा। तो आज सुबह प्रभु जी ने पूरी कथा सुनाई थी, मैं सीधा उसके बाद जंप कर रही हूँ कि प्रहलाद महाराज ने अपने गुरुकुल में सबको प्रीच किया, जो भक्त है वो हमेशा प्रीचिंग इज अ सेंस को याद रखता है, उसको वो हमेशा सबके लिए कंपैशनेट होता है, हमेशा उसको लगता है कि अरे जैसे दया मुझे मिली, नारद जी ने जैसे मुझ पर कृपा करी, ऐसी कृपा सब पे हो जाए, कितना अच्छा हो। ये लोग गलत उससे पड़े हुए हैं, इसे भौतिक संसार में पड़े हुए हैं, क्यों ना ये भी फटाफट फटाफट इस भौतिक संसार से बाहर आ जाए और भगवान की
सेवा में लग जाए। तो जैसे प्रहलाद महाराज ने बताया अपने सभी साथियों को, सभी साथ बोले छोड़ना खेलते हैं, क्या तू भक्ति भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 साल की आयु में भक्ति करना क्यों जरूरी है। और बच्चों को भक्ति कराने के लिए उन्होंने बहुत सारे रीजन बताए कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। छोटी आयु से बताया नहीं तो हम भौतिक जगत में अटैच हो जाते हैं। बताया अगर हम 5 साल की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे को सेंसेस पे कंट्रोल नहीं आएगा। अगर हम 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग क्या होगा, हम लोगों को गुरु की सेवा करनी नहीं आएगी। और जब गुरु की सेवा करनी नहीं आएगी तो फिर भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण बताए प्रहलाद महाराज ने कि 5 साल की आयु में हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। तो हम सभी इन छोटे नन्हे बच्चों को छोड़कर हम सभी भक्ति में लेट हैं। कितने कितने साल लेट हैं वो सब अपना अपना कैलकुलेट कर लें। तो हम सभी भक्ति में लेट हैं, और जब लेट हो तो क्या करना पड़ता है, दौड़ लगानी चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अब अपनी प्योरिफिकेशन के लिए हमारे को बहुत प्रयास करना चाहिए, कैसे करके हमारे हृदय के अंदर जितने भी कलमश हैं वो दूर हो जाए, कैसे करके हमारे अंदर जो अभी भी थोड़ा सा लालच, थोड़ी सी लेमेंटेशन, हाय हाय ये मिल जाए वो मिल जाए, इस तरह की जो हमारे अंदर है अभी भी कुछ है, वो हमारी भगवान से प्रार्थना करें दूर हो जाए। कि भगवान आप जैसे भी रखना, बस हमारे को अपनी शरण में रखना, हमें अपनी भक्ति में लगाए रखना। अब फिर प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति बताई। तो नवदा भक्ति में क्या बताया, 9 तरीके से भगवान की भक्ति की जा सकती। क्या क्या, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। प्रभुपाद कहते हैं सबसे पहले ही 3 स्टेज हमें बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में उतारनी है, श्रवणम, कीर्तनम। जब श्रवणम कीर्तनम अच्छा होगा तो विष्णु स्मरणम अपने आप अच्छा हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, फिर अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस तरह से हम 9 तरीके से भक्ति कर सकते हैं। श्रवणम, श्रवणम सबसे ज्यादा किसने अच्छा किया, परीक्षित महाराज ने। 7 दिन तक एक जगह ना कुछ खाया ना पिया, ना उठे ना बैठे ना पलटी मारी। अगर हम लोग तो अभी बैठते हुए थोड़ा सा यूं करके बैठते हैं, है ना, थोड़ी देर बाद पांव पलटते हैं। एक जैसे एक पोजीशन में बैठकर उन्होंने श्रवण किया, कीर्तनम। तो ये जो श्रवण कीर्तन का प्रोसेस है वो सबसे पहले कहाँ आता है, हमारी चैंटिंग में आता है। और जब चैंटिंग अच्छी हो जाती तो फिर विष्णु स्मरणम अपने आप होगा, पाद सेवनम। पाद सेवनम के सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरण दबाती रहती है ना। अर्चनम, अर्चनम के सबसे कौन है, पृथु महाराज। अर्चनम, वंदनम अक्रूर जी, और अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्यम में हनुमान जी, दास्यम साख्यम, साख्यम में कौन, अर्जुन, है ना, और आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम कौन, बलि महाराज। तो हम इन सबके एग्जाम्पल देख करके समझ सकते हैं कि हम जैसे बद्ध जीव सबसे ज्यादा अगर कर सकते हैं कुछ प्रयास तो श्रवणम कीर्तन में सबसे ज्यादा कर सकते हैं। हनुमान जी का सेवा करना, दास्य दास्य भाव, ये वो अभी तो आया नहीं था, कम से कम श्रवणम कीर्तन बहुत अच्छे से कर ले तो हम भक्ति में कुछ आगे बढ़ने के लायक हो जाएंगे। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप ने जब सुना कि प्रहलाद मेरा बच्चा मेरा गुणगान करने के बजाय विष्णु स्मरणम कर रहा है, उसको तो गुस्से का उसका रहा ही नहीं पार। और वो जिस जो अपने बच्चे को बस कुछ सेकंड पहले प्यार कर रहा था उसने उठा के अपने बच्चे को फेंक दिया। तो कभी कभी हम देखते हैं ये प्रवृत्ति हम में भी होती है।
बड़े खुश होते हैं, अचानक छोटी सी सामने वाले से गलती हो जाए और सीधा हम ताड़ थाड़ ताड़ थाड़ करने में ताल चालू हो जाते हैं। अरे अभी तक तो वो सबसे प्यारा बंदा था, 5 सेकंड के अंदर वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आप उसके लिए इतना क्रोध ले आते हैं कि जिसे कोई सीमा ही नहीं होती कितनी छोटी छोटी बातों पर। तो ये प्रवृत्ति किसकी है? जब भी ऐसा कभी हो कि अभी मूड बड़ा अच्छा है और अचानक गुस्से में आवावेश में आ गए, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, कब तक सही, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा हिरण्यकशिपु जाग गया है। सुनाओ भाई, खत्म करो, क्योंकि हमारे को ग्रजेस किसी से भी नहीं रखने हैं। फिर किसी से भी अगर हमारे इस तरह के दोषारोपण वाले संबंध बन गए तो फिर अगले जन्म में फिर उसके साथ सामना करना पड़ेगा। तो हमें सब के लिए संभावना, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बुरा है ये अच्छा है, नहीं। और खास करके भक्तों के संग में जितना अच्छी चीज है कि हर टाइम भक्तों का संग मिल रहा है, उतना थोड़ा बुरा भी है क्या? हमें केयरफुल रहना होता है कि गलती से भी हमारे को कभी भी हम उस स्थिति को क्रॉस ना कर जाए, गलती से भी हमारे मुंह से किसी की निंदा ना निकल जाए, गलती से भी हमारे मन में कहीं कोई कलमश ना आ जाए। तो उसके बाद हिरण्यकश्यपु ने अपने बच्चे का, अपने बेटे को मारने का ऑर्डर दे दिया। उसको पहाड़ से फेंका गया, उसको सांपों के उसमें डाल दिया गया। उसकी बहन होलिका, उसको वरदान था कि वो जलेगी नहीं, उसको लेकर के आग में बिठा दिया गया। होलिका जल गई, वो बच गया। इस तरह से अनेकों तरीके से उसको टॉर्चर किया गया, तब भी प्रहलाद के मन में एक बार भी अपने पिता के लिए कलमश नहीं आया। अरे हमें तो कोई तेज ही बोल दे तो हम तो अपने लिए अपने मन में उसके लिए गांठ बांध के बैठ जाते, अरे एक तो उसने मेरे लिए बुरा करता है। यहां प्रहलाद जो कि भक्त है, उसके स्वयं के पिता उसको ऊपर पहाड़ से नीचे फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास अगर फेंक ही दिया था, वो तो भगवान ने नीचे आकर उसको संभाल लिया, तो फेंक ही दिया, तो प्रयास भी नहीं फेंक दिया था, तब भी उनके मन में कभी अपने पिता के अगेंस्ट कलमश नहीं आया। हिरण्यकश्यप ने पूछा, इतनी तेरे अंदर ताकत किस चीज की है, किस चीज से इतनी ताकत लाए है कि तेरे को इतना मारने के बावजूद भी तेरे को मार नहीं पा रहा है कोई, तेरे को ये पावर मिली? मेरी कोई पावर नहीं है। किसकी पावर है? ये भगवान की पावर है। हिरण्यकश्यप और गुस्सा आ गया, ओहो भगवान का नाम बार बार ले रही है, भगवान मैं ही हूं, तो किस भगवान को ढूंढ रहे बेवकूफ, कहां है वो तेरा भगवान? बोले भगवान हरकंड में है, हरकंड में है, तो मैं क्या करता हूं बता कहां है? इस खंबे में है। हाँ इस खंबे में भी है। अब हिरण्यकश्यप की मेंटेलिटी समझिए, उसने इस खंबे में प्रहार क्यों किया? आपको पता है कुछ जगहों पर क्रिश्चियन प्रीचिंग की जाती है, कुछ जगहों पर वो क्या करते हैं, एक बाल्टी लेते हैं पानी की, उसमें गणेश जी का विग्रह लेंगे। आप किसको मानते हो, शिवा को, गणेशा को, किसको मानते हो? उसका मिट्टी का विग्रह लेंगे और बाल्टी में डाल देंगे, देखो डूब गया, पिघल भी गया, खत्म, तुम्हारा भगवान तो खत्म, क्या भगवान है? छोटे बच्चों की प्रीचिंग जब ऐसे करते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी प्रीचिंग ऐसे की जाती है, उनको शुरू से क्रिश्चियन ऐसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद लकड़ी का जीसस लेके आएंगे या क्रॉस लेके आएंगे, उसके वो बोलेंगे देखो ये जीसस है, ये देखो हमने पानी में डाल दिया, अब देखो डूबेंगे नहीं। अब छोटा बच्चा जो 5-6 साल की आयु का है उसको लगता है हाँ, जिसको आज तक मैं भगवान मानता रहा था तो डूब गया, वो अब स्वयं की रक्षा नहीं कर पाया, और इनके जो भगवान है वो तो देखो बचे हुए। सेम मेंटेलिटी हिरण्यकश्यप की है, वो क्या कर बोल रहे कि लाओ मैं इस खम्भे को ही तोड़ देता हूं, जब खम्भा टूट जाएगा तो इस बच्चे का जो फेथ है कि हर कण में भगवान है वो टूट जाएगा। वो किस पे प्रहार कर रहा था?
वो उस बच्चे की विश्वास प्रहार कर रहा था। और भगवान अपने भक्तों के विश्वास की ही रक्षा करते हैं। भगवान ने भगवद्गीता में कहा है कि जैसे जैसे यत यत, जैसे जैसा आपका मुझ पर विश्वास होगा वैसा वैसा आप मुझे पाओगे। कितने सारे भक्तों की कथा सुनते हैं, किसी भक्त ने भगवान को देखा कि भगवान बाल रूप में है तो वो भगवान बाल रूप में ही नजर आए, है ना। जैसे हम विट्ठल जी की कहानी सुनते हैं, है ना, कितने सारे भक्तों की कथा सुनते हैं जो जिसने भगवान को एक पर्टिकुलर रूप में देखा तो भगवान उसी रूप में सामने आए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि भगवान अपने भक्त की विश्वास की रक्षा करते हैं। अब भगवान को हिरण्यकश्यप को मानना तो बहुत बड़ी चीज नहीं थी भगवान के लिए, स्वयं मानने की जरूरत नहीं थी, मगर भक्त के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आए हैं। और भगवान ने भक्त के विश्वास कैसे रक्षा किया, उसने कहा हाँ इस खंभे में भगवान है। हिरण्यकश्यप क्या सोच रहा था कि मैं इस विश्वास को तोड़ देता हूं, एक बार बच्चे के माइंड में तोड़ दूंगा कुछ नहीं निकलेगा, तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सच्ची में भगवान नहीं है। तो उसने उसको विश्वास तोड़ने की कोशिश की, और भगवान भक्त का विश्वास ही रखते हैं। तो जब भगवान भक्त का विश्वास रखने आएंगे तो भगवान अपने पूर्ण रूप में आएंगे। जैसे नरसिंह देव है ना, उसकी सारी जितनी उसने अपनी वरदान लिए उन सब का काट करने के लिए भगवान प्रकट हो गए नरसिंह देव में। चारों तरफ इतनी घोर गर्जना कि देवलोक तक, देवलोक को लगा पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, उनको नहीं पता था कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं, उनको लगा पता नहीं क्या हो गया, इतनी गर्जना तो कभी सुनी नहीं, इसका मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स खत्म होने जा रहा है, प्रलय आने वाली है। फिर जब उसके बाद हिरण्यकश्यप ने क्या कहा, अरे मेरे जैसा अद्वितीय तो कोई, अभी बोला था ना मेरे को तो कोई जीत ही नहीं सकता, मेरे तो मैं तो अद्वितीय हूं आपके क्रिएटेड। उसको ये नहीं पता था कि ब्रह्मा जी क्रिएटेड नहीं है, भगवान क्रिएटेड ब्रह्मा जी है। तो क्या हुआ, वो अपनी गदा लेकर भगवान के ऊपर लपका, अभी मार देता हूं। हाँ भगवान के सामने वो वैसा सा था जैसे कि कोई मक्खी उड़ करके आ गई हो। और भगवान ने वही हिरण्यकश्यप को अपने हाथों से पकड़ा और उसको गोद में लिटा करके उसको वध कर दिया। भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो चारों तरफ से फूल पुष्प वर्षा होने लगे। भगवान बहुत उग्र रूप में थे, आपको पता है हिरण्यकश्यप की करोड़ों करोड़ों की सेना थी राक्षसों की, सिर्फ हिरण्यकश्यप ही नहीं करोड़ों की सेना जो राक्षसों की थी सबने एक साथ अटैक किया। और कहते हैं कि नरसिंह देव भगवान के सामने हिरण्यकश्यप की सारी सेना ऐसे लग रही थी जैसे आग में पतंगे जलने जा रहे हो, तो पतंगे होते छोटे 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 पतंगे होते आग में जलने जा रहे। तो भगवान अपने नाखूनों से ऐसे 5,000 और ऐसे 10,000 ऐसे करके सारे की सारी सेना को मिनटों में भगवान ने खत्म कर दिया। भगवान नरसिंह देव इतने उग्र रूप में थे, कि भगवान को शांत कर पाना असंभव हो रहा था। श्री श्री नरसिंह देव की। तो इस तरह से भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। अब देवताओं को भगवान जैसे गुस्से में तो गर्म हो जाता ना सब, अब भगवान जब गर्म हो जाए सोचो कितनी गर्मी। तो वो जो गर्मी थी वो ऊपर वाले लोगों के अंदर भी जा रही थी, तो सब देवी देवता बड़े कि भगवान के दर्शन तो हो गए मगर अभी इतनी उष्णा हम कैसे सहेंगे, तो सब कुछ जला देगा, पूरा पूरा यूनिवर्स जल जाएगा, कैसे इसको भगवान को शांत करना जरूरी है। तो सभी देवताओं ने सोचा कि ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। सभी देवी देवता ने भैया कौन जाएगा सामने, नहीं 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 नहीं, नहीं। भगवान के सामने वो भी उग्र रूप में नहीं जा सकते। लक्ष्मी जी को विनती की गई कि लक्ष्मी जी आप जाइए,
लक्ष्मी जी ने बोला, इतना उग्र रूप तो मैंने कभी भगवान का देखा नहीं, मैं भी इसको नहीं संभाल सकती, मैं भी ये सामने नहीं जाऊंगी। तो फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज को बोला गया कि प्रहलाद महाराज आप जाइए, छोटे से नन्हे 5 साल के बालक, हमारे यहाँ 5 साल का बालक कौन है, विशंभर 4 साल का है, तो मान के चलिए विशंभर जैसा बालक, और जो उग्र नरसिंहा जिनको जिनकी जिनकी दर्शन से मात्र से सारे सारे राक्षस खत्म हो गए, उनके सामने वो छोटा सा नन्हा सा बालक अपनी माला ले, मतलब नरसिंह भगवान का जो गुस्सा था, प्रहलाद महाराज को देखते एकदम शांत। और प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान ने क्या किया, प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में उठा के बिठा लिया, प्रहलाद महाराज ने उनको माला पहनाई, और जब बिल्कुल उनको प्यार करने लगे, उनको चाटने लगे, जैसे कि जैसे पिता अपने बच्चे को प्यार करता है, ऐसे उनको वो चाटने लगे भगवान, इतना आकर्षक मनमोहन। आप सोचिए, देखिए नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को गोदी बिठा के उनको प्यार कर रहे हैं, उनको चाट रहे हैं, कितना ददरा, ऐसा लगता है कि कब हम भी ऐसे होंगे जब प्रहलाद महाराज की तरह हम भक्ति कर पाएंगे, पूर्ण विश्वास होगा भगवान के ऊपर, और किसी भी बुरी स्थिति में हम घबराएंगे नहीं। तो प्रहलाद महाराज के जीवन से, इस कथा से हम समझते हैं कि हम भक्ति में अपने आप को उतना स्ट्रिक्ट कर लें, इतना प्योरिफाई कर लें कि हम किसी भी सिचुएशन में घबराएं ना, हमें भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास हो, हम किसी भी स्थिति में घबराएं ना। तो जितने भक्त कथा सुने आप, प्रहलाद महाराज की सुन लीजिए, अभी जो आज हमारे पास जीवित आचार्य हैं बहुत सारे, उनकी सुन लीजिए, उनकी रूटीन सुन लीजिए, उनकी लाइफ सुन लीजिए, किसी भक्त का सुन लीजिए, आपको एक कॉमन चीज नजर आएगी, उनको भगवान पर पूर्ण विश्वास था, है। और हमारा जो विश्वास है वो डगमगा जाता है, हम जब तक सही है तब तक हम ठीक है, और जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा घट जाता है, हमेशा बोलते हैं भगवान बस नहीं मिला था बुरा करने को, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मेरे तो आप ध्यान रखते ही नहीं है ना। और हमारे अंदर अलग अलग तरह के फियर्स, मतलब डर बैठ जाते हैं, डर का होना बताता है कि हम भगवान को नहीं मानते। अगर किंचित मात्र भी डर है, प्रहलाद महाराज एक बार भी डरे, एक बार पूरे भागवत में आप वर्णन सुनिए, जहां पर कुछ भी किया गया उनके साथ, उन्होंने कभी चीख पुकार के बोला बचाओ 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 नहीं, वो एक बार भी उनके मुंह पे शंका आई, डरे नहीं। अगर डर हमारे मन में है कहीं किसी भी फॉर्म में, मतलब कि हम उतने मात्रा से भगवान को नहीं विश्वास करते, अगर हम भगवान में विश्वास करते होते तो हमारे को डर लगना खत्म हो जाता है, किसी भी चीज से डर लगना खत्म हो जाता है, किसी भयावह स्थिति में डर लगना बंद हो जाता है, किसी भी सिचुएशन में हम भगवान का नाम ले सकते हैं। जबकि अभी मेरी स्थिति ऐसी है कि जहां हम जरा सा बीमार पड़े तो सबसे पहले हमारे चैंटिंग कम हो जाती है, हम होता ना अभी शरीर के साथ ही अपने आप को अटैच करके छोड़ देते हैं। तो प्रहलाद महाराज की तरह हमें भक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना हम सभी करें कि प्रहलाद महाराज को जैसे आपने कृपा की है ना, वैसे हम सब पे भी कीजिए भगवान। और हमारे अंदर जितना भी हिरण्यकश्यपु बैठा हुआ है और बहुत सारे राक्षस बैठे हुए हैं हमारे अंदर ना, सिर्फ पावर और ईगो का हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर लस्ट भी है, काम क्रोध मोह लोभ सब कुछ है, जेलसी भी है, सब कुछ है हमारे अंदर, तो सारी तरह के राक्षस एक ही के अंदर विद्यमान है अभी तो वो सब राक्षसों को आज आपके प्रकटे का टाइम हो गया है ना। तो आप प्लीज हमारे सारे राक्षसों का वध करें, और हमारे अंदर जितने भी राक्षस हमारे अंदर
हमें आपकी सेवा में, हमारे आपकी भक्ति में विघ्न डाल के बैठे हैं, हमें आपको मानने के लिए ना मानने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, वो सबका नाश करें और हम सब आपकी भक्ति में आगे बढ़ें, हम सब आपकी सेवा में पूर्णतः लगे रहें और कोई भी अपराध हमसे गलती से भी ना हो, ऐसी चेतना दें कि हमसे कोई भी गलती से भी अपराध ना हो। श्री नरसिंह भगवान की, श्री प्रहलाद महाराज की।